हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो यूनिट 6 हम पढ़ रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, जिसका नाम है फ्लो थ्रू पाइप्स। तो पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेस इन टर्बुलेंट फ्लो। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक बताना चाहता हूँ। इसमें हमारे सिलेबस में एक टॉपिक था हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, ठीक है। ये टॉपिक ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि मशीन डिज़ाइन का 4th यूनिट था हमारा बियरिंग में, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेंट। वहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। तो इस वीडियो के आई आइकन आपको दिख रहा होगा, वहाँ पे मैं वो वीडियो का लिंक ऐड करके रख दिया हूँ, आप डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। और मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं शियर स्ट्रेसेस इन टर्बुलेंट फ्लो। नॉर्मल है, टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है किसी पाइप के अंदर। फ्लूइड फ्लो हमारा क्या है, टर्बुलेंट है। ड्यू टू दिस शियर स्ट्रेस ऑल्सो बी डेवलप्स ड्यू टू बाउंड्री ऑफ हमारा पाइप जो है उसका। तो द शियर स्ट्रेस इन द विस्कस फ्लो इज गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये हम सब जानते हैं, जो कि होता है टाउ वी इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर टाउ वी इज द शियर स्ट्रेस ड्यू टू विस्कोसिटी। नाउ सिमिलर टू द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस शियर, जे बोसनिक एक्सप्रेस द टर्बुलेंट शियर इन मैथमेटिक फॉर्मस, टाउ टी इज इक्वल टू एन डेल यू अपॉन डेल वाई, वेयर टाउ टी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस ड्यू टू टर्बुलेंस, एन इज द एडी विस्कोसिटी, और यू इज द यू डैश इज द एवरेज वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस वाई फ्रॉम द बाउंड्री, ठीक है। नाउ काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी क्या होता है, द रेशियो ऑफ एन एट एन एंड रो, एन मीन्स एडी विस्कोसिटी एंड रो मीन्स मास डेंसिटी, इज नोन एज काइनेमेटिक एडी विस्कोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय इप्सालन, इप्सालन इज इक्वल टू एन अपॉन रो। नाउ द टोटल शियर स्ट्रेस इन द टोटल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अगर आपको कोई पूछ दे आपसे कि टोटल शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो आप क्या करोगे, द सम ऑफ विस्कस शियर एंड द टर्बुलेंस शियर, दोनों को ऐड कर दोगे। तो ये हमारा विस्कस शियर स्ट्रेस था, और ये हमारा टर्बुलेंस शियर स्ट्रेस और द टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, दोनों को ऐड कर दोगे तो हमारा टोटल शियर स्ट्रेस निकलता है, जब भी हमारा फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो होता है तब का। द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, इट मीन्स लेमिनार फ्लो, ठीक है, इट्स अ लेमिनार फ्लो। नाउ लास्ट वन इज रिनॉल्ड एक्सप्रेशन फॉर टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। क्यों रिनॉल्ड को जरूरत पड़ी टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस, ऑलरेडी हमारे जो जे बसुनिक्स थे वो डेवलप कर दिए थे, फिर रिनॉल्ड क्यों डेवलप किया। प्रॉब्लम क्या आती है, ये जो हमारा एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू कैलकुलेट करने में आपके पास शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, आपके पास डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, बट ये जो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। ड्यू टू दिस ये इक्वेशन को ज़्यादा हम हर जगह यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे रिनॉल्ड्स ने एक एक्सप्रेशन दिया था फॉर टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस। क्या एक्सप्रेशन था, इन 1886 में डेवलप एन एक्सप्रेशन फॉर टर्बुलेंट शियर स्ट्रेस बिटवीन टू लेयर्स ऑफ अ फ्लूइड एट अ स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट, विच इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू रो यू डैश वी डैश, वेयर यू डैश एंड वी डैश इज अ फ्लैक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या है, फ्लैक्चुएटिंग कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ड्यू टू टर्बुलेंस, यू इन एक्स डायरेक्शन एंड वी डैश इज द इन वाई डायरेक्शन। As u dash and v dash varying, and has tau also be varying, due to this, the equation this can be written as in average form. Tau dash is equal to rho u dash v dash dash. This dash means the average shear stress formula. ठीक है, ये रिनॉल्ड्स ने हमें दिया था। तो बस ये लेक्चर इतना ही था, यही हम शियर स्ट्रेस के टॉपिक में बात करने वाले थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फॉर माई सिलेबस। So, thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it.